हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे? अच्छे से होंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नई रेसिपी लेकर आए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो यहाँ पर हम सूजी ले रहे हैं। आप चाहे तो मोटा पतला कोई भी सूजी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम नॉर्मल सूजी जो पैकेट में आता है वो सूजी लिए हैं, 1 कप सूजी लिए हैं। अब इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरह से सान लेना है, एक डो तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी को इसमें हम डाल के अच्छी तरह से सान ले रहे हैं। और ये रेसिपी जो है बहुत अच्छा लगेगा। आप जब भी मीठा खाने का मन करे तो आप इसे फटाफट बनाइए। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हम सान के रख दिए हैं और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि सूजी को फुलाना रहता है, सूजी मोटा रहता है, तो इसे 10 मिनट के लिए छोड़ने से अच्छा से फूल जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 मिनट हो गया है तो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए सूजी जो है वो फूल के अच्छी तरह से सेट हो गया है। और यहाँ पर आप कढ़ाही लिए हैं और कढ़ाही में डाल रहे हैं घी, और घी को चारों तरफ से अच्छी तरह से फैला दे रहे हैं। और जो हम ये भी तैयार जो किए हैं उसको इसमें डाल के और हाथ में घी लगा के, थोड़ा सा घी लगा के, और इस तरह से चारों तरफ से फैला देना है और धीमी आंच पर ही रखना है, क्योंकि हाथ लगने का डर रहता है, हाथ जल जाएगा, इसलिए धीमी आंच पर पहले इसको अच्छी तरह से फैला देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से रोटी जैसा इसको हम चारों तरफ से हाथ की सहायता से इसको अच्छी तरह से हम फैला दे रहे हैं। और ये रेसिपी जो है बहुत अच्छा लगता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सूजी का जो है नई रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और जब भी मीठा खाने का मन करे तो फटाफट इसे बना लीजिए, बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हम उंगली की सहायता से गड्ढा गड्ढा कर दे रहे हैं। जब हाथ में चिपकने लगे तो हल्का सा फिर से घी लगा के इस तरह से आप इसका गड्ढा गड्ढा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर ऐसी इस तरह से हम कर दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा घी डाल के और चारों तरफ से फैला देंगे। देखिए यहाँ पर घी डाल दिए हैं और इसके ऊपर से पूरा अच्छी तरह से हम फैला दे रहे हैं, और नीचे भी घी डाला हुआ है और उसमें नीचे से ब्राउन कलर हो जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। और ये रेसिपी जो है बहुत अच्छा लगेगा। जब भी मीठा खाने का मन हो फटाफट इसे बनाइए और खाइए। टिफ़िन में ले जा सकते हैं या कहीं मेहमान आए तो मेहमान को भी फटाफट बना के खिला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ब्राउन कलर होने तक हम पकाएंगे। हलवा तो सूजी का हलवा तो बहुत खाए हैं, एक बार इसे भी खाइए, हलवा से ज़्यादा टेस्टी ये लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से पकाना है और धीमी आंच पर ही पकाना है। यहाँ पर देखिए हम पलट दिए हैं और इसका कलर देखिए ब्राउन कलर हो गया है। और दोनों तरफ पकाने के बाद जो भी हल्का फुल्का घी निकलेगा उसको इस तरह से साइड करके खड़ा कीजिएगा तो घी निकल जाएगा। और इसे अलग बर्तन में हम रख देते हैं और 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये जो है वो ठंडा हो जाए, नॉर्मल हो जाए। और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। तो वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ठंडा हो गया है, अभी से छोटा छोटा टुकड़ा हम कर दे रहे हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर डेली नए नए रेसिपी आते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम मिक्सी जार में डाल रहे हैं और इस तरह से छोटा छोटा टुकड़ा करके इसको हम डाल के ढक के और अच्छा से एक पाउडर तैयार कर लेना है। महीन पाउडर तैयार करना, मोटा नहीं तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से पिसा गया है और ये पाउडर हो गया है तैयार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा से पिसा गया है, पाउडर भी अच्छा से रेडी हो गया है। तो यहाँ पर एक कढ़ाई लिए हैं और जो कढ़ाई में घी बचा हुआ था उसी घी है, अलग से हम नहीं डाले हैं। तो यहाँ पर ले रहा है चीनी, और चीनी को इसमें डाल देना है क्योंकि चीनी को जो है पिघलाना है। आप चाहें तो इसमें पानी भी डाल के पिघला सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा देर चलाने के बाद हम पानी डाल दिए थे ताकि जल्दी से चीनी पिघल जाए, चीनी का शीरा नहीं बनाना है, बस चीनी को पिघला देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह चलाते हुए चीनी अपने आप पिघलने लगता है और ये बहुत ही अच्छा से पिघल जाता है, हल्का फुल्का कलर भी चेंज हो जाता है चीनी का। यहाँ पर देख सकते हैं चीनी पिघलना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर देखिए चीनी जो है पिघलना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, चीनी का शीरा नहीं बनाना है, सिर्फ इसको पिघला देना है। तो मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
यहाँ पर देखिए चीनी पिघलना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा पानी डाले तो और जल्दी पिघल गया, अगर लेट लगे तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम सूजी का जो पाउडर तैयार किए हैं उसको इसमें डाल के अच्छी तरह से चला देना है, और ये रेसिपी बहुत अच्छा लगता है, एक बार ज़रूर बनाइएगा, मेहमान को खिलाइए तो घर वाले सब पूछेंगे कि कैसे बनाया, अच्छा लग रहा है, आपका तारीफ होगा, तो एक बार ज़रूर बनाइएगा, ये रेसिपी बहुत अच्छा है। हलवा तो बार बार बना के आप खाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से बना के खाइए, सारे मिठाई को फिल कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा से तैयार हो गया है। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और एक बर्तन लेंगे और बर्तन को घी से ग्रीस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरा अच्छी तरह से सूख गया है और ये तैयार हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ गया है और ये बहुत टेस्टी लगता है, आप इसमें चाहे तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक प्लेट लिए, प्लेट को घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिए हैं और इसमें डाल के इस तरह से फैला देना है और 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब ये ठंडा हो जाए तो अपना मन पसंद से इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर हम काट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से इजीली कट हो जाता है और ये बहुत अच्छा लगता है रेसिपी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पूरा कट कर लिए हम आपको अब दिखा दे रहे हैं, ये बहुत मुलायम बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर आप ऊपर से ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं लेकिन हम नहीं डाले हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।